यार मेरे को अलग खाना बनाना पड़ेगा यार, बड़ा मुश्किल है यार इस घर में रहना। दोस्तों नए दिन की हो चुकी है शुरुआत, और दिन बुरा कैसे जा सकता है जब आपकी आंखों के सामने कुछ ऐसे दृश्य हो जब आप सुबह उठो। एंड दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ जॉब पे, तो ऑब्वियसली 9 घंटे तो मेरे आज जॉब पे निकलने वाले हैं। तो आई मस्ट से कि आज मैं शायद मैं व्लॉग ना डाल पाऊँ, मैं डेली व्लॉग्स का जो मेरा सीक्वेंस है उसको शायद आज मेरा तोड़ना पड़े मेरे को, बट इट्स ओके। लाइक अभी कंटेंट होगा तो अपलोड करेंगे, वो बेटर है बजाय कि ऐसे मैं 4-4 मिनट की वीडियोज नहीं अपलोड करना चाहता, मैं 6 मिनट की वीडियो भी नहीं अपलोड करना चाहता, तो लास्ट थी बट इट्स ओके, वो हमने कर दी अब। बट आई विल ट्राई 8-10 मिनट्स की वीडियो बने, आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा देखने को मिले। एंड कमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो कि आपकी ये जो 4K वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ आप इसको 4K में देख भी रहे हो कि नहीं देख रहे हो, लेट मी नो। मार के पता मैं शिफ्ट लगा 2 दिन मैंने शिफ्ट लगाई 9-9 घंटे की, मेरी स्पीड की वो बस उड़ पड़ी है, पूरी शिफ्ट में लगातार खड़े होना था। आज क्या बना रहे हो? डाइट फूड पनीर। यार मेरे को अलग खाना बनाना पड़ेगा यार, बड़ा मुश्किल है यार इस घर में रहना। बंदा पहले से इतना फिट है, मुझे समझ नहीं आता क्यों इस बंदे ने डाइटिंग करनी है, क्यों और ज्यादा फिट होना है। मतलब कुछ अच्छा खाना चाहिए, इसमें स्वाद आए, क्या मजा उसका यार। आप नमक लगा के, नमक भी नहीं डालता भाई ये बंदा, कुछ भी नहीं डालता, ऐसे पैन फ्राई करके चीजें खा लेता है, ऊपर से वीगन, हद है यार। सेक्रेटरी हम साथ में देखेंगे, वेट करना मेरी, ओके। तो गाइस बात कुछ ऐसी है कि मैं जब कोई इंसान डाइटिंग कर रहा होता ना, ये मैंने भी मजाक किया थोड़ी देर पहले, बट कोई इंसान अगर डाइटिंग कर रहा हो उसको हमेशा मोटिवेट करना चाहिए, कभी ये नहीं कहना चाहिए कि तू खा ले या कुछ कर ले। बट इसका रिजल्ट क्या हुआ कि मेरे को अपना खाना आज बनाना पड़ा, मैं बहुत थका हुआ था फिर भी। तो हियर इट इज, ये है पनीर बटर मसाला मैं बना रहा हूँ, और साथ में मैंने रखे हुए हैं चावल प्लेन राइस है, और पनीर बटर मसाला में बहुत ही मिनिमम तड़का नहीं है, बहुत ही स्पाइसी बढ़िया वाला है। कोई डाइटिंग नहीं चल रही है मेरी, आई एम फीलिंग सो गुड विद दिस काइंड ऑफ फूड, ट्रस्ट मी गाइस। मैं पहली बार अपनी वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ अपनी कुकिंग, मेरे को देख के बताना कैसे लग रही है, खाने में कैसे लगेगी ये भी अज्यूम करना, और देखने में कैसे लग रही है ये भी बताना, और प्लीज जरूर बताना कमेंट करके, आई रियली वांट टू नो फ्रॉम यू गाइस। तो ये है आपके सामने मेरी प्लेट जो मैंने सजाई हुई है, जस्ट लेट मी नो की कैसी है, ठीक है। अभी जस्ट उठा हूँ, खाना खा के हटा हूँ, अब जाऊँगा बाहर, बहुत ज़्यादा लग रही है ठंड मेरे को, देख लो यहाँ पे अभी से ठंडा है, इंडिया में कितनी देर बाद धुआं निकलना शुरू होता है मुंह से, यहाँ अभी से हो रहा है। कौन सा महीना चल रहा है? अक्टूबर। ओ माय गॉड, इट्स कमिंग रियली रियली कोल्ड। तो गाइस आज बहुत सारी जगहों पे हम जा रहे हैं, बारी बारी बताएंगे। सबसे पहले हम जा रहे हैं टिम हॉर्टन्स, यहाँ के चाय के खोखे पे चाय पीने, क्या टिम हॉर्टन्स लंगर लगा हुआ है टिम हॉर्टन्स से, आप नहीं कर लेना ब्लैक टी, ही इज गोना गो फॉर ब्लैक टी एंड डी कैफ, कमाल, मतलब जिसमें कैफीन नहीं होती। अब डोंट टेल मी कि आपको पता था, इट्स ओके पता होगा, बट आई एम जस्ट सेइंग इट ना। एंड मैं लूंगा चाय टी ट्रिपल ट्रिपल, मतलब उसमें इतनी चीनी होती है कितनी चीनी होती है, हाँ मतलब दोनों लोगों के लिए, अकेला मैं चाय पी रहा हूँ मतलब चीनी पी रहा हूँ, तो इट्स गुड। उसके बाद हम जाएंगे LCBO है यहाँ का ठेका लिकर स्टोर, वहाँ से मेरे को थोड़ा सामान लेना है, एडवाइजर भाई ने स्प्रिंग वाटर लेना है, मेरे को बियर लेनी है, ऐसे मेरे को बियर रखने का शौक है, पीता नहीं, ओके। एंड आल्सो अल्कोहल कंजम्पशन, क्या होता है, आल्सो अल्कोहल कंजम्पशन इज इंजूरियस टू हेल्थ, यू गेट मी, सो सी मतलब रोनाल्डो की समटाइम्स ही ड्रिंक, सो आई जस्ट कीप इट एट माय प्लेस, यू नो कभी कोई फ्रेंड्स आ जाते हैं लाइक टू ड्रिंक, एंड आई एम ओवर 25, आई एम लीगल, तो आई थिंक इट्स कम्प्लीटली ओके, एंड आई एम नॉट प्रमोटिंग ड्रिंकिंग एंड ऑल द स्टफ, सो मैं बता दूं। एंड मैं जाने वाला हूं मेट्रो लेब्राडोर का, मेरे घर के बिल्कुल साथ वाले पेट्रो कैनेडा में है, और मैं इनके पास आता हूँ जब शॉपिंग करने आता हूँ, फीस रेडी क्रिएट अलॉन्ग साइड टिम हॉर्टन्स। उसमें क्या करते हैं कि पान का सारा मटेरियल बनाते हैं, फिर उसके अंदर बहुत सारा मिंट डाल देते हैं, फिर उसके अंदर गुलकंद डाल, सब ठंडी ठंडी चीज़ें डालते हैं, फिर उसमें एकदम से ना फ्रीजर में से निकाल के बहुत सारी आइस भर देते हैं, भर के उसमें ऐसे ना मुँह खोला ऐसे ठूस दिया मुँह के अंदर, मुँह के अंदर उसने मेरे पान ठूस दिया भाई, मेरी फट गई, मेरी वही फट गई, मैंने कहा ये क्या कर दिया, कुछ होता है इससे आग लगती है, तो उसने पान के अंदर वो डाला, पान के अंदर आग वाला मटेरियल डाल के उसने बोला मुंह खोलो, और मुंह के अंदर ऐसे ही लॉन्ग पे लगाते हैं, हाउ यू नो, आपने खाया वीडियो देखते
आई हैव द प्रूफ, अभी मैं वीडियो का स्क्रीनशॉट खींच के इसके बीच में लगाऊंगा। मैंने मुंह खोला था, वीडियो बन रही थी, मेरे मुंह के अंदर जो पान था उसमें स्टिल आग लगी हुई थी। आई हैव प्रूफ, मेरा मुंह मैं भी मर्जी चलता। मतलब मजा आया था मेरे को वो चीज करके ना, यहाँ तो पान वान मिलते नहीं है ना ऐसे। फिर जल गया मेरा, कर करा के मेरे दिमाग में नहीं आया। आज मंडे है, LCBO तो बंद है आज, तो इसलिए यहाँ मेट्रो है, यहीं पे बियर लगी होती है। अगर मिल रही हुई तो यहाँ से बडवाइजर ले लूँगा, क्योंकि मेरे को बडवाइजर ही पीनी है। क्या रिकॉर्ड कर रहे हो? सब्जियाँ लेते हुए आलू ले लिया मैंने, प्याज लूँगे, प्याज लेंगे, प्याज लेते हैं। टमाटर लिए जा सकते थे, ये क्यों लिए? सही है, ऑर्गेनिक तो नहीं हो सकते, रोमा टमाटो है भाई, ये बड़े बेचे मैंने वॉलमार्ट में। शिमला मिर्च लेनी है यार, क्या प्राइस है? 659 पर केजी। ओ मेरे भाई, 350 रुपये किलो शिमला मिर्च। कितना है? 1 किलो। हाँ इतना तो मैं अफोर्ड कर ही सकता हूँ। दही, लस्सी, ठीक है। एंड दैट्स माय वीगन दही। ओ सिल्क, यस, कोकोनट दही। और ये है मेरा सेक्शन, आई लव दिस जूसेस एंड स्मूदीज एंड ऑल स्टफ। को ढूंढ रहा था मैं बड़ी देर से, एंड फाइनली आई गॉट इट नाउ। आर यू श्योर ये है आपके पास? बिल्कुल है, 100% एग्जैक्ट। करी मसाला पाउडर जो हमने सोया बनाया था उसमें यही था, जो हमने सोया के वो चंक्स नहीं, क्या था वो? सोया ग्रैनुल्स। एंड ग्रैनुल्स तो ये है भाई के पास, वापस रखने वाला हूँ। लास्ट टाइम भी हमने इसी के लिए थे ना, बड़ी सही इन्वेस्टमेंट है यार ये। चिकपीज और राजमा जो है आपके, रेड किडनी बीन्स, ये दोनों हम कैंड यूज़ करते हैं, बिकॉज ईजी है, ज़्यादा उबालना नहीं पड़ता, टाइम नहीं होता, डायरेक्ट इसको अपने तड़के के अंदर डालो और जो भी बनाना है बना के फारग। सेक्शन डिस्काउंट पे लगाओ और मैं कुछ ना लूँ ऐसे हो ही नहीं सकता। तो मेरे पास ऑलरेडी घर पे बहुत सारी मैक्रोनी पड़ी है, बट मैंने एक और ले ली। कौन सी वाली? कार्लिंग, ये है तो, ये है लेक पोर्ट आइस। अच्छा, ये देखने में अच्छी लग रही है ना। काफ़ी, ये तो लेनी पड़ेगी। ट्राई किया आपने कभी ये वाली? अच्छी है, ये भी ले लेते हैं, उठा लो। फिर ये उसमें नहीं आती, कैन में नहीं आती। बहुत अट्रैक्टिव ऑफर है यार ये तो। और सबसे अच्छी बात है, तीनों बार आप फ्रेश खोलोगे इसको। आई एम गोना बाय दिस। चलो गाइस, आपसे एक बात शेयर करता हूँ, बहुत पर्सनल बात है। कल मेरे बड़े भाई की शादी है, मेरे दो भाई हैं, दो रियल ब्रदर हैं, मेरे से बड़े हैं, दोनों की शादियां इस लॉकडाउन में हो गई हैं, और दोनों की शादियों के टाइम पे मैं कनाडा में था और मैं इंडिया नहीं जा पाया। मुझे बुरा फील होता है इसलिए, बिकॉज आई वॉन्टेड टू बी द पार्ट ऑफ दैट फैमिली फ़ोटो, बट इट्स लाइक इट्स ओके, अभी मैं कुछ इस चीज़ में खास कर नहीं सकता। तो अगर मैं इस चीज़ को लेके उदास होऊंगा या कुछ भी होऊंगा, तो मुझे लगता है मैं नेगेटिव एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, इसकी बजाय मैं खुश रहने की कोशिश करता हूँ। और मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो मेरे भाई हैं जो यहाँ पर रहते हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं यहाँ पे रहते हैं, उन लोगों की जब ऐसे कोई फैमिली इवेंट मिस हो जाती है तो समटाइम वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस और सैड हो जाते हैं। हमें सैड नहीं होना चाहिए, इनफैक्ट वी शुड ट्रांसफर द पॉजिटिव एनर्जी टू दैम। इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ इन कैनेडा। आप बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें मिस कर देते हैं, इंडिया में नाम नहीं लेना चाहता, बट समटाइम आपके कोई फैमिली मेम्बर लॉस्ट दैम एंड आप कुछ कर नहीं सकते इसके बारे में। बट या समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। इसी के साथ एंड करते हैं आज की वीडियो को यहीं पे। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, कमेंट डाउन बिलो, लेट मी नो आपको फेवरेट पार्ट कौन सा लगा। एंड ट्रस्ट मी, इफ यू आर रियली एंजॉयिंग इट इन 4K और नॉट, आई मीन आई एम एंजॉयिंग इट व्हेन आई एम रिव्यूइंग माय वीडियोस, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू आर न्यू हियर। एंड अगर आप लाइक कमेंट शेयर करना नहीं भी जाते, जस्ट डोंट फॉरगेट टू बी पॉजिटिव एंड हैप्पी इन योर लाइफ।